जोश बोलिए, कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु, पद्मावती सुतः श्रीमान। आप सब पद्मावती के भक्त लग रहे हैं कि पद्मावती का नाम जोर से ले रहे हैं, अच्छी बात है। और जोर से, पद्मावती सुतः श्रीमान। पद्मावती सुतः श्रीमान। अगर पद्मावती नहीं होती तो नीताई नहीं आते। पद्मावती के कारण नीताई प्रकट हुए। एक और बात, प्रेम से जितना पद्मावती को प्रेम है नीताई के प्रति, उसका एक कण मात्र तो प्रेम दिखाइए आप पद्मावती और नीताई के प्रति। पद्मावती सुतः श्रीमान। सचिनंदन पूर्वज सचिनंदन पूर्वज मैंने 108 करोड़ में स्नान कराया, 64 कोटि तीर्थों में। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आएंगे तो उनके चरण की रज ले लेंगे, हम भी स्नान कराएंगे। सब बोलिए, सचिनंदन पूर्वज कृपा। देखिए, वो अपने भाइया महाप्रभु के आने के 13 साल पहले ही एक चक्र धाम में प्रकट हो गए। ऐसे बलदेव कृष्ण के बिना रह नहीं सकते। लेकिन देखिए निताई, 13 साल तक अपने भैया के बिना रहने को तैयार हो, किसके लिए? जीवे वो कारुण करु आसिया धमे कैलो लीला सुविस्तार। 12 साल तक लीला किया एक चक्र धाम में हमारे लिए। अगर एक चक्र धाम नहीं होता, अगर नित्यानंद प्रभु भी नवद्वीप में जन्म लेते तो हम यहाँ आ पाते क्या? हम पतित पावन धाम में आ पाते? नहीं। इसलिए 13 साल पहले निताई चांद प्रगट्य हुआ, वो ही बलराम जो कृष्ण के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए अपने भाई से वियोग भी स्वीकार किया। जय हो निताई चांद की। ही एक्सेप्टेड सेपरेशन from his own brother Gaurang Mahaprabhu and he came 13 years before. That is why Gaurang is getting pride to say that he is my elder brother. Why he is my elder brother? Because he came before me to save the conditioned souls. If he had not come 13 years before, there would be no Ek Chakra Dham. There would be only Navadvip Dham. So, this name is very, very beautiful. Please recite it again. Sachinandan
संसार में लोग सबसे दयालु भगवान की खोज कर रहे हैं, कभी कृष्ण के मंदिर में चले जाते हैं, तो ये सबसे दयालु है क्या राधा कृष्ण? नहीं नहीं, नहीं। कलयुग में राधा कृष्ण युगल अवतार में आए, गौरांग महाप्रभु के पास जाओ, वो तो दयालु है। तो भक्त गौरांग के मंदिर में गए, बोले क्या गौरांग सबसे दयालु है? तो भक्त ने बोला नहीं नहीं, गौरांग की पहले भी 13 साल पहले उनके भैया आए थे, वो सबसे दयालु है। People enter into Radha Krishna's temple and they ask, is Radha Krishna most merciful? The pujari says, no, 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 no. Radha Krishna came in avatari form as Gauranga Mahaprabhu. Go to Gauranga. So the devotee went to Gauranga's temple. He asked, is Gauranga very merciful? The devotee said, no. Gauranga has one brother. He came 13 years before Gauranga to distribute his mercy. He is the most merciful. So the devotee said, how can he be most merciful? तो भक्त ने उत्तर दिया, अरे भाई तुझे पता नहीं है कि भगवान कृष्ण देवकी के घर में आ ही नहीं रहे थे, लेकिन जब बलदेव भगवान आ गए और बलदेव ने देवकी का गर्भ पवित्र किया है, तब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कलयुग में भी वही हुआ, 13 साल पहले निताई चांद ने आके इस धरा धाम को पवित्र कर दिया, ये भूमंडल को, इस ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया और गौरांग के आने के लिए तैयार किया, पवित्र किया। तो कौन ज्यादा दयालु है, जो बाद में आता है या पहले? सारा हार्ड वर्क तो वही करता है। हु इज डूइंग द हार्ड वर्क? नित्यानंद निताय, ही इज कमिंग बिफोर एंड इज प्रिपेयरिंग जस्ट लाइक देवकी। Womb was prepared by Balaram. The six Marichis, they took birth in Devaki's womb and they were cursed because they did Vaishnava Aparad. They were laughing at Brahma. So after those six children were born, Devaki, Krishna will not come. So Balaram came to the rescue. Balaram appeared. Without Balaram, there is no Krishna. Please remember this. बलदेव के बिना कृष्ण नहीं है और बलदेव के बिना निताय के बिना राधा कृष्ण नहीं है। बलदेव के बिना कृष्ण नहीं है और निताय के बिना राधा कृष्ण नहीं है। देखिए सब लोग प्रेम से एक नाम का कितना अर्थ, सचिनंदन पूर्वजः पूर्वजः सचिनंदन पूर्वजः लक्ष्मण। लक्ष्मण के रूप में रामचंद्र भगवान ने धोबी के कहने से लक्ष्मण को सबसे कठोर सेवा दिया, जाओ सीता को वन में छोड़ के। लक्ष्मण बोले, राम तुम मेरे भाई हो, तुम भगवान हो, लेकिन ऐसा क्रूर आदेश, ये तो कोई पालन नहीं। सीता महारानी को जो आपकी लादिनी शक्ति है, क्यों
राम ने मैं बड़ा भाई मेरा आज्ञा मानना पड़ेगा। नो आर्ग्यूमेंट राम सेड टू लक्ष्मण, नो आर्ग्यूमेंट, गो एंड लीव सीता इन द फॉरेस्ट। आई डोंट, यू ओबे मी बिकॉज यू आर माई यंगर ब्रदर। लक्ष्मण अनविलिंगली लेफ्ट सीता इन द फॉरेस्ट। लक्ष्मण कैन नॉट फॉरगिव हिमसेल्फ, लक्ष्मण अपने आप को क्षमा नहीं कर पाए सीता को वन में छोड़। लक्ष्मण ने कहा ये मेरे भाई, ये कमल से भी कोमल है लेकिन वज्र से भी कठोर है, इसीलिए मेरे भाई का भाई छोटा भाई मैं कभी नहीं बनूंगा। I will never become younger brother of this brother because he is soft like a rose but he is hard like a thunderbolt. Sometimes he does not care for his devotees externally. कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान अपने भक्तों की परवाह नहीं करते। रात के समय बिचारी सची माता सो रही है, विष्णु प्रिया उनकी पत्नी सो रही है, और भगवान निकल पड़े, सबको छोड़ दिया, सारे नवद्वीप वासियों को। किसने बचाया नवद्वीप वासियों को? नीताई ने सची माता को वापस ले आए, सॉरी गौरांग महाप्रभु को सची माता के पास वापस ले आए शांतिपुर में। Who saved Sachi Mata? Nitai Chand. He brought Gauranga back even after taking sannyas. Gauranga said, I don't care of Nitai said, I don't care about your rules of sannyas. Don't care. Come to meet your mother. Me maa se milo. Maa ke haath ka prasad kha. कितना निताई भक्तों की ध्यान रखता। निताई ने कह दिया लक्ष्मण ने, आई विल नेवर बिकम योर यंगर ब्रदर, फ्रॉम नाउ ऑन ऑल अवतार्स आई एम योर एल्डर ब्रदर बिकॉज आई विल नॉट टॉलरेट योर थंडरबोल्ट लाइक ऑर्डर्स। Gauranga said to Nitai, you should go to Bengal and preach everywhere, give mercy. Nitai said, okay, I will. Gauranga said, don't come back. Nitai said, I will come back. I am elder brother, remember? The same card which Ram played in Ram Lila, that same card now Nitai is playing. Wohi card play kar rahe hai. तो लक्ष्मण ने राम ने प्ले किया था कि तुम मैं तेरा बड़ा भाई हूं, नीता ही बोलते मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुम जो बोलोगे उसके विपरीत ही करूंगा। सबसे सुंदर लीला ये हुई, गौरांग ने बुलाया नीताई को और हरिदास को, घरे घरे जाओ प्रचार करो मेरे नाम का। ये दोनों निताई गौर की जैसे घरे घरे जाओ, लेकिन जगाई मधाई के पास मत जाना, जगाई मधाई को छोड़ देना। निताई तुझे मैं कहता हूं, निताई तू जगाई मधाई से दूर रहना। निताई कहता है भैया मैं बड़ा भाई हूं, कहा नहीं जाना, जराई मधाई के पास मैं जरूर जाऊंगा। क्या कृपा की सीमा है, देखिए सीमा,
साक्षात आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री रसराज महाभाव गौरांग महाप्रभु निताई को कहते हैं जगाई मधाई के पास मत जाना। और निताई कहते हैं मैं जरूर जाऊंगा, इसलिए तो मैं बड़ा भाई बना। जा रहे देखे, जिसको मैं देना चाहूंगा उसको मैं प्रेम दूंगा। भैया आप भी नहीं रोक सकते, बल्कि आपको उनको स्वीकार ही करना पड़ेगा। गौरंग सेठ डोंट गो टू जगाई मधाई, निताई डोंट गो। निताई सेठ देन आई विल श्योरली गो because I am your elder brother and I have taken a vow not to listen to your orders and I have taken a vow to do exactly opposite to what you say. Hindi or English dono bol raha hu, lekin English mein kuch nayi cheeze bol raha hu. और हिंदी में नई चीज है तो सची नंदन पूर्वज गर्व होना चाहिए हमें बोलने के लिए कि मिताई बड़े भाई है। सची नंदन पूर्वज शरीर का जो दर्शन करता है उनके शरीर के बाद ऊपर अनंत कोटि भावों का दर्शन होता है। असली भाव, असली भक्ति भाव ये क्या है, ये अगर आपको जानना है तो निताई को देखिए। If you want to know the real emotions of bhakti, the ashtasatvik vikar, the uddipan, the alamban, and the vyabhichari, and the sanchari,